मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंदौर में जो अधिकारी कर्मचारी 15-20 साल से लगातार पदस्थ हैं, उनका ट्रांसफर अब दूरस्थ क्षेत्रों में किया जाएगा। वहीं जीतू पटवारी के बीजेपी सरकार में तबादलों को उद्योग कहने पर भदौरिया ने कहा कि तबादला उद्योग तो कांग्रेस में सरकार में था, जीतू पटवारी के यहाँ ही दलाल लिस्ट लेकर घूमते थे। मंत्री भदौरिया ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा के उपचुनाव में जनता ने उन्हें हरी झंडी दिखा दी थी और उन्हें घर बिठा दिया था। कांग्रेस सिर्फ हवा हवाई बातें करती है। बाढ़ के समय में भी कमलनाथ ने हेलीकॉप्टर से एक चक्कर लगा दिया। जो लंबे समय से अधिकारी कर्मचारी टिके हुए हैं, 15-15 साल, 20-20 साल से, 18-18 साल से, उन सबको भी कि साहब इंदौरी में सब रहना चाहते हो क्या? आप डिंडोरी मंडला में आपका प्रशासन नहीं है, वहां काम नहीं करना चाहते क्या? या भोपाल में सब रहना चाहते महानगर में? तो इसलिए ऐसे जो गड़बड़ शिकायतों के अधिकारी जितने कर्मचारी उन सबका भी स्थानांतरण बाहर करेंगे, क्योंकि उनका ही काम था व्यवस्थित प्लॉट लौट देना है। इसलिए नए लोगों के द्वारा जो आपकी प्रक्रिया चालू है उसको चालू रखेंगे और व्यवस्थित तरीके से जिनका हक है उसको ट्रांसफर देंगे।